यहां तक भी अगर बत्ती न जले कि टिमटिमा रही है लेकिन प्रकाश नहीं आ रहा है, तो फिर चौथा है कि एक इंटेलिजेंट गेस मारिए और आगे बढ़िए। इंटेलिजेंट गेस कहा है मैंने, गेस नहीं कहा कि आंख बंद किया और वो नहीं करना है। अब जैसा कि एक और वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि प्रीलिम्स के पेपर क्वेश्चन पेपर की कैसे एनालिसिस करें, कैसे उसको अप्रोच करें, उस लेक्चर में हमने बात किया ओएमआर शीट कैसी होगी, कैसे उसमें क्या निर्देश होंगे, इन निर्देशों को एक बार पढ़ लें समझ लें। तो हमने एक छोटे से लेक्चर में स्ट्रेटजी की बात करी थी, एक एक क्वेश्चन से उस एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश किया था। अब हम 2018 और 17 के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों में 100-100 सवाल हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पूरे 200 सवाल इस लेक्चर में कर सकें, लेकिन हर टॉपिक के कुछ 2-3 सवाल करके हम ये देखेंगे कि कौन से सवाल किस स्ट्रेटजी से सॉल्व करने चाहिए। कल पिछले लेक्चर में जैसा मैंने बताया था कि 4 लेवल की आपकी आपकी कंफर्ट लेवल 4 लेवल का हो सकता है। जो बेस्ट लेवल है जो होना चाहिए वो है कि बिना विकल्प देखे आपको अगर उत्तर आता हो, दूसरा था कि विकल्प देखते आपको सही उत्तर याद आ जाए, ये दोनों नहीं हो तो कम से कम 2 गलत ऑप्शंस आप हटा सकें और उसके बाद एक सही पिक कर सकें, और ये भी नहीं तो फिर एक लास्ट मैंने कहा था कि एक इंटेलिजेंट गेस मारिए और आगे बढ़िए। ये भी नहीं काम होता हो तो इंटेलिजेंट को हटा दीजिए, गेस मारिए और आगे बढ़िए। सवाल छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सवाल के निगेटिव मार्क नहीं है, छोड़ने से भी 0 मिलेगा, गलत होने से भी 0 मिलेगा, तो गलत करने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए छोड़ना एक भी सवाल नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि गेस भी जो हैं थोड़े इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट गेस में प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है कि सही हो जाएगा, बिना इंटेलिजेंट का गेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है सही होने की, क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन रियल लाइफ में उसकी प्रोबेबिलिटी 10% से भी कम होती है, क्योंकि वो ऐसा ट्रैप होता है कि गलत ऑप्शन ही वाइल्ड गेस में टिक होता है। हम इसी स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। 2018 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जब हिस्ट्री के सवाल होंगे तो एक साथ सारे हिस्ट्री के सवाल आपको दिखेंगे, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो। ये भी हमने देखा है कि सारे टॉपिक से अमूमन 10% का एवरेज रहता है, लेकिन ईयर बाय ईयर ये वेरी करता रहा है। जैसे 2018 में हम देखेंगे एमपीजी के जो 7 और 8 है, 7 और 8 जो एमपीजी के हैं उससे 2018 में 27 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2009 में 9 या 12 कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन अमूमन 10% वेटेज सभी 10 टॉपिक्स का है। तो हम मान के चलें कि हर टॉपिक से हमको 10 क्वेश्चन दिख सकते हैं। किसी टॉपिक से अगर आपको 10 से कम क्वेश्चन दिखे, इसका मतलब समझ जाइए कि कोई और टॉपिक है जिससे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर आपको हिस्ट्री के केवल 4-5 सवाल दिख रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के, तो इसका मतलब कोई और विषय है जिससे ज़्यादा संख्या में सवाल आए होंगे। ये भी हमने बात कर ली थी कि 4 सेट होंगे, चारों सेट में सवाल सेम होंगे और केवल सीरियल ऑर्डर का फर्क होगा, इसलिए कौन सा सेट आता है इससे डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास 2018 का एक सेट है, 2017 का एक सेट है। ये सेट हमने MPPSC की वेबसाइट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिंक से डाउनलोड किया है। आप भी इसमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और इन पेपर्स को देख सकते हैं। इसके सॉल्व क्वेश्चंस आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे इसके मॉडल आंसर की आपको दिख जाएंगे। एक सवाल लेते हैं, सेट ए का दूसरा सवाल है, NGT का पूर्ण नाम क्या है? NGT का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जितने लोगों को ये ऐसे ही याद आ जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
तो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए कि चार ऑप्शंस क्या हैं, उनको केवल ये ढूंढना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन से ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शंस ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरे का ए सही जवाब है, बस इससे ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जिसको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसका मतलब जिसको ये नहीं पता कि एनजीटी क्या है, इसका मतलब इन्वायरमेंट का टॉपिक उसने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट का टॉपिक का बहुत ही सरल सवालों में से ये सवाल है सिलेबस के पहले टॉपिक से। तो कि अगर कुछ भी नहीं पता तो ऑप्शंस कैसे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब, वैसे ये सब ट्रैप हैं, ये सब गलत जवाब हैं, लेकिन आप इसमें से कोई इंटेलिजेंट गेस मारना चाहें तो मेरी सलाह रहती है कि जहां सवाल में एन हो तो संभावना उसके नेशनल होने की सबसे ज़्यादा होती है। तो तीन ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नेशनल है, एक जो न्यू वाला है उसको काट देंगे, जो दो बच गए उसमें नेशनल जनरल ट्राइब है और नेशनल ग्रीन ट्राइब है। अब ये कंफ्यूजिंग है, अगर आपने जनजाति विषय पढ़ा है, ट्राइब्स का ज्योग्राफी का विषय पढ़ा है, कहीं ऐसा शब्द नहीं दिखा है तो इसका मतलब ट्राइब में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप काट सकते हैं, तो शायद आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुँच जाएंगे। फिर भी ये ऐसे सवाल है जिसमें गेस उतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपका पढ़ा होना ज़रूरी है। अब साइंस से ही एक और सवाल लेते हैं 2018 में, उसका सातवां सवाल है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 से? मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोग बिना ऑप्शन देखे ये बता सक रहे हैं कि 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये इतनी सामान्य सी जानकारी कि जब आप साइंस पढ़ेंगे तो ये आपको सामने पहले दूसरे पन्ने में ही ये मिल जाता है, ये बहुत डीप का नॉलेज नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 80 से 100 हर्ट्ज है, ऑप्शन सी 200,000 से 400,000 हर्ट्ज है, ऑप्शन डी 0 से 20 हर्ट्ज है। तो इससे अगर मुझे गेस करना हो तो मैं कैसे गेस करूंगा? अगर मैंने कहीं भी थोड़ा बहुत सुन रखा है कि इंसान एक सीमा तक की आवाज़ सुन सकते हैं और कुछ जानवर हैं जो इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ जानवर हैं जो इंसानों से कम तेज़ आवाज़ भी सुन सकते हैं, तो मैं समझ जाऊँगा कि 0 से 20 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 20 इंसान नहीं सुनता है, कुछ हमसे भी कम सुनने वाले लोग हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ऐसा मैं गेस करूंगा अगर मुझे मैंने इतना सुना है। दूसरा ये भी कि इंसान अगर इतना भी सोच रखा है कि इंसान बड़ी लंबी रेंज के आवाज़ सुन सकता है, हर तरह की, बहुत ऊंचा भी सुन लेता है और काफ़ी मध्यम भी सुन लेता है, तो मैं समझूंगा कि 80 से 100 नहीं सकता क्योंकि बड़ी छोटी सी रेंज है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो मैं दो गलत ऑप्शन निकाल सकता हूँ। उसके बाद बच जाता है 200,000 से 400,000, 20 से 20,000। अब इसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं, अगर इसके बाद भी याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद आया तो इंटेलिजेंट गेस की 200,000 से 400,000 जो है ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो या तो फिर 200,000 से नीचे वाली आवाज़ बहुत ही कम होती होगी, लेकिन 20 से 20,000 थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है कि बहुत कम 20 और बहुत ज़्यादा 20,000, तो 200,000 से 400,000 लग रहा है कि ऊपर ऊपर की रेंज होगी, तो शायद ये आंसर नहीं होगा, तो मैं गेस मारूंगा कि शायद ये आंसर है। ये तरीका हो सकता है मेरा इंटेलिजेंट गेस मारने का, फिर भी मेरी सलाह ये है कि ऐसे सवालों में गेस वर्क नहीं चलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट का सवाल है, ये पता होना चाहिए, और ये इतना डीप सवाल नहीं है कि इसके लिए इतनी कवायद करनी पड़े। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई गेस करने वाली, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई मेहनत करी ना हो, क्योंकि ये कोई साइंस का बहुत गहरा सवाल नहीं है, ऐसा आसान सवाल है कि सभी से सही होना चाहिए। और कोई सवाल लें, देखें कि 2017 में साइंस के कैसे सवाल आए थे। 2017 में एक सवाल है, किसी सेट के 21 नंबर का सवाल है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, बोटैनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है, चलित हाँ हाँ ऑप्शंस तो पहले लेवल पे नहीं है, किसी को नहीं पता, ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शंस है ए एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, बी
मैं लिखूंगा नहीं, लिखने बड़ा समय लगेगा, सुना देता हूं। ए एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, बी पेपेवर सोमनीफेरम, सी रोवाल्फिया सर्पेंटाइना, डी सिंकोना स्पीशीज। दूसरा, दूसरा बी नंबर, कहीं पढ़ा है इसलिए याद आ रहा है, कहीं पढ़ा है इसलिए याद आ रहा है। और किसी को दूसरा कोई ऑप्शन सूझ रहा है? ए कहीं पढ़ा है? सही जवाब बी है। ये भी साइंस का ऐसा सवाल है कि इसके लिए मैं आपको कोई गेस मारने वाली स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। बोटैनिकल नेम में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा सोचा जा सकता है, सोमनीफ मेरे जैसा तुक्केबाज आदमी रहे तो ऐसे तुक्का लगाएगा कि सोमनिया का मतलब होता है नींद आना, और जिस सवाल में, जिसके जवाब में सोमनी है तो वो नशे जैसा होगा, तो इसीलिए नाम रखा होगा। तो मैं याद भी करता तो मैं ऐसे ही याद करता अफीम का वानस्पतिक नाम, कि कैसे पेपेवर सोमनी फेरम में से ऐसा क्या याद कर लें कि अफीम से याद रहे। तो सोमनी मतलब, क्योंकि जिसको ना सोने की बीमारी होती है कहते हैं उसको इनसोमनिया हो गया है, तो सोमनी सोने से आसपास है, अफीम से नींद आ जाती है, ऐसे करके मैं याद कर लूँगा, तो शायद ऐसे तुक्का मार लूँ। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ सकती है, लेकिन साइंस ऐसा विषय है जिसमें गेसवर्क बहुत कम चलता है और आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही बड़ा ध्वनि से, ध्वनि का एक सवाल हमको 2018 में दिखा, एक सवाल फिर 2017 में भी दिख रहा है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किस माध्यम में। ये बड़ा सीधा साउंड का क्वेश्चन है, नवी क्लास के बच्चों को पता होता है कि साउंड किस मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, सॉलिड लिक्विड या गैस। आंसर है सॉलिड, सबको पता है। अब ये नहीं पता हो तो गेस करने वालों के लिए बता दूं, बोल के मुंह से देख लें हवा में साउंड कितनी देर में पहुंचती है, डेस्क पे कान लगा के करके लें कि ज़्यादा तेज आवाज़ आती है, सॉलिड में साउंड ज़्यादा तेज आता है। मैं सब में आपको तरीके तो बता दूंगा, फिर भी कहूँगा साइंस में गेसवर्क नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए। किसी और टॉपिक का सवाल देखते हैं साइंस और एनवायरनमेंट के अलावा। करंट अफेयर्स में किस तरह के सवाल आते हैं, ये 2018 का प्रीलिम्स है, तो किस टाइप के सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, और अगर इस तरीके से तैयारी नहीं की गई हो तो ये सवाल नहीं हो सकते। सवाल कैसा है, 2018 का एक सवाल है कि जनवरी 18 तक, जनवरी 2018 तक भारत और पाक के तहत नाभिकीय ठिकानों की सूची, नाभिकीय ठिकानों की सूची कितनी बार आदान प्रदान कर दी गई है। जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। ये सवाल ही बता रहा है कि उस साल कुछ जो हुआ होगा ऐसा जिसके कारण ये सवाल आया। हर साल नाभिकीय ठिकानों की सूची पर सवाल आएगा आवश्यक नहीं, उस साल कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसके कारण ये सवाल करंट अफेयर्स में आया। ये अगर ऐसे सवाल हैं कि अगर करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ा है, जब ये न्यूज़ आई तो उसके 4-5 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट कर लिए, तो तभी ये सवाल हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं कि किसी तरह का गेसवर्क इसमें नहीं चलेगा। ऑप्शंस हैं 25 बार, 26 बार, 27 बार या 28 बार। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें हो यह वही जो राम रची राखा, जो आपके आपके हाथ में नहीं है, पता है तो पता है, इसमें कोई इंटेलिजेंट गेस नहीं किया जा सकता। अगर आपने पढ़ा है और आपको याद है कि कुछ 25-30 बार हुआ था तो हो गया, 25-30 बार में सारे ऑप्शंस हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसका सही जवाब 27 है, ये या तो पता है या तो नहीं पता है। ये इसलिए क्योंकि ये सवाल अब नहीं आएगा इस साल, ये सवाल
ऐसी नॉलेज नहीं है जो परमानेंटली याद रखी जाए, लेकिन उस साल बहुत महत्वपूर्ण घटना रही होगी। जनवरी 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसी शिखर वार्ता हुई होगी जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री मिले होंगे, वो खबर न्यूज़ में रही होगी, कुछ दिनों तक चली होगी, इसीलिए उससे संबंधित कोई एक छोटा सा पॉइंट पूछा। तो नाभिकीय ठिकानों को पढ़ लेना इस साल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दो देशों के बीच में, भारत या किसी भी अन्य देश के बीच में कोई ऐसी बड़ी चीज़ हुई है तो उसके संबंधित जानकारी याद कर लीजिए, उससे संबंधित कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट पूछा जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं कि अभी गुरु नानक जयंती पर एक कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो कॉरिडोर कहां से कहां तक जाता है या कितने किलोमीटर लंबा है या उसमें कितनी गाड़ियां जाती हैं वगैरह वगैरह, या उसका उद्घाटन किस दिन हुआ, इसमें से कोई भी ऐसा फैक्ट करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। ये इस साल की घटना है, तो ऐसी जितनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इस पर सवाल बनते हैं। एक और उदाहरण अगर करंट अफेयर्स के सवालों का लूं, और जैसा मैंने प्रीलिम्स के सिलेबस के दिन बताया कि करंट अफेयर्स अपने आप में सिलेबस का एक पॉइंट है, जिसमें लिखा है कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं। एक और सवाल है, यह भी करंट अफेयर्स का है, उस साल 13 नंबर पर यह दिख रहा है कि इंफोसिस में विशाल सिक्का के बाद सीओ किसे नियुक्त किया गया, विशाल सिक्का के स्थान पर सीओ किसको नियुक्त किया गया। यह सवाल उस साल महत्वपूर्ण रहा होगा क्योंकि उसी साल विशाल सिक्का को हटाया गया होगा और किसी को सीओ बनाया गया होगा। यह सवाल अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो वो सीओ जो तब बनाए गए थे वो इस साल फिर न्यूज चर्चा में है। इंफोसिस में किसी विसल ब्लोअर ने इंफोसिस को लेकर एक बड़ी घोषणा करी है कि इंफोसिस में कुछ गड़बड़ी है जिसकी जांच हो रही है, जिसके कारण वो सीओ जो 2018 के करंट अफेयर्स में नए सीओ बनाए गए थे वो इस साल इसीलिए करंट अफेयर्स में है क्योंकि उन सीओ के होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो आप यही बता दीजिए कि इंफोसिस का वर्तमान सीओ कौन है जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। सलिल पारेख, किसी एक को याद है सलिल पारेख? अगर सलिल पारेख नहीं याद है, ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग जरूर हैं। एक ऑप्शन है नंदन नीलकानी, एक ऑप्शन है नारायण मूर्ति, एक ऑप्शन है दीपक पारेख। ये ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं। चार में से तीन लोग इंफोसिस के सीईओ रहे हैं। दीपक पारेख का इंफोसिस से कोई लेना देना नहीं है, केवल उसके नाम में पारेख है, तो सलिल पारेख और दीपक पारेख में कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर मुझे सही याद हो तो दीपक पारेख किसी बैंक से संबंधित हैं शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन दीपक पारेख इंफोसिस से संबंधित नहीं है। अगर मुझे को ये नहीं पता तो मैं कहां तक पहले लेवल पे, तो अगर जैसे किसी को पता था सलिल पारेख तो कर दिया, नहीं पता है तो सलिल पारेख, नंदन नीलकानी, नारायण मूर्ति, इन सबका नाम अगर सुना है इतना तो समझ सकते हैं कि विशाल सिक्का का नाम आ रहा है जो मुझे ज्यादा सुना सुना नहीं लग रहा। नारायण मूर्ति और नंदन नीलकानी तो सुना सुना लगना चाहिए। नारायण मूर्ति बहुत प्रसिद्ध हो गए कि उन्होंने इंफोसिस से बड़ी कंपनी खोली, तो नारायण मूर्ति तो पुराने वाले हैं, बहुत पुराने। नंदन नीलकानी भी जब आप परीक्षा दे रहे थे तो इंफोसिस छोड़ के और वो आधार वधार का काम कर चुके हैं, तो नंदन नीलकानी तो पुराने लोगों में, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब इसके बाद दीपक पारेख या सलिल पारेख में से दीपक है या सलिल है, ये कोई इंटेलिजेंट गेस नहीं हो सकता। ये तो अगर आपने पढ़ा होगा तो करेंगे, वरना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 से लगा दीजिए, 50% प्रोबेबिलिटी से कोई आंसर सही हो जाएगा। बार बार ये कहूँगा कि पहला स्ट्रेटजी हमेशा होनी चाहिए बिना ऑप्शन देखे सवाल का जवाब देना। मैं हर सवाल पूछने के बाद आपको बिना ऑप्शन देखे उसका आंसर पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। एक करंट अफेयर्स का सवाल 2017 में दिखता है, क्योंकि 2017 का है तो ये करंट अफेयर्स अब आप आज की डेट में बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुका होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, उस समय राष्ट्रपति रहे होंगे प्रणब मुखर्जी ने, मई 2016 में किस देश की यात्रा की। अभी ऐसा सवाल है क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट की महत्व उस परीक्षा के बाद खत्म हो गया है, अब ये पढ़ना आवश्यक भी नहीं है। लेकिन इससे हमको क्या देखना है कि इस साल हमारे देश के राष्ट्रपति,
हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के राज्यपाल यदि कहीं किसी विदेश दौरे पर गए हैं तो वो महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है? किस देश गए थे, उस देश के साथ यदि कोई संधि साइन करी थी तो किस विषय पर संधि साइन करी थी, उसकी तारीख भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल केवल डेट पर आ सकता है कि वो किस डेट पर गए थे। तो जितनी भी ऐसी, ये राष्ट्रपति की एक ट्रैवल पे, और ऑप्शंस अब उस साल ऑप्शंस ऐसे हैं, ए जापान, बी म्यांमार, सी चाइना और डी फ्रांस। कोई बता रहा है चाइना? कैसे पता आपको कि चाइना? ये पढ़ा है क्या कहीं? आंसर सही है सी चाइना। मुझे नहीं पता मई 2016 में कहा गए थे, मैं उस साल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था तो मुझे याद नहीं है। ये सब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स में ना भी पढ़ाओ, अगर आप रोज अखबार भी पढ़ते रहे होंगे तो आप ऐसे सवाल कर जाएंगे। अगर इतना ध्यान से भी पढ़ते रहोगे, अगर आपने जैसे अभी पढ़ा हो कि मैं कॉरिडोर वाला उदाहरण दे रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए कहाँ गए थे, किस शहर में गए थे, उस कॉरिडोर का नाम क्या है, आनंदपुर में गए थे कि करतारपुर में गए थे, ये तो आप अगर खबर भी पढ़ाओ तो किसी किताब में ना भी पढ़ाओ तो ऑप्शंस देख के आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। 2017 के ज़्यादा करंट अफेयर्स पे बात ना की जाए, लेकिन दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए उस डेट के साथ सवाल पूछा गया। हमने 2019-18 में भी देखा कि जनवरी 2018 में क्या हुआ था, इसमें भी कि मई 2016 में क्या हुआ था। एक और सवाल मुझे दिखता है करंट अफेयर्स का 2017 में, उसी के 76 था तो 78 नंबर पे दिखता है, सुहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है ये बुक्स एंड ऑथर्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब रीसेंट साल में जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं, किसी ने कोई नई किताब लिखी हो, जिस किताब पर कंट्रोवर्सी हुई हो या उसको कोई पुरस्कार मिल गया हो, तो वो महत्वपूर्ण है। तो जून 2016 में उसकी कौन सी किताब रिलीज हुई थी? ऑप्शन है ए मंत्रास फॉर सक्सेस, बी डार्क हॉर्स, सी विंग्स ऑफ फायर, डी मसीहा। गेस करने वाला इतना ही कर सकता है कि विंग्स ऑफ फायर नहीं होगा, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका सही जवाब है ए मंत्रास फॉर सक्सेस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिना पढ़े नहीं कह सकते। एक यूपीएससी में, जिस साल मैं यूपीएससी दे रहा था, एक सवाल आया जो मैं नहीं कर पाया था। आया था मुझे अभी भी उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। ये किताब था कि इसके लेखक कौन है, जिसके एक ऑप्शन में बराक ओबामा थे, जो होप के अराउंड कोई वर्ड था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं वो सवाल नहीं कर पाया। जो मेरा एक दोस्त कर आया वो केवल इसलिए क्योंकि उसी साल, जिस साल हमने परीक्षा थी, उसी साल बराक ओबामा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसने कहा इसी ने कोई किताब लिखी होगी, बाकी लोग क्यों लिखेंगे इस समय किताब। उसने बराक ओबामा लगाया और बराक ओबामा सही जवाब था। तो बहुत बार बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, बहुत बार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से मिक्स होगा, लेकिन जनरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे पकड़ में आ जाते हैं कि उसमें डेट लिखी होती है कि वो किसका है। अब कुछ दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं जो बड़े, जिसको मैं कहूँगा सबसे आसान टॉपिक्स हैं। एक एक सवाल लेते हैं। एक सवाल लेते हैं स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स में भी करंट अफेयर्स को बहुत बार मिक्स किया जाता है। स्पोर्ट्स में हम 2018 के प्रश्न अगर देखते हैं तो 2018 में सवाल पूछा गया कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको हमारे सारे खेल के पुरस्कार मिले हैं। अगर वो मुझे सवाल सही याद है, हाँ, ये सवाल कहता है वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए। कौन था ऐसा खिलाड़ी जिसको सभी पुरस्कार मिले? ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण, पुल्लेला गोपी चंद। गोपी चंद, पादुकोण, सचिन और बिंद्रा, जिसको सभी पुरस्कार मिले हों।
इसका सही जवाब, इसको चेक करने का एक तरीका यह है कि इसने कहा है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को ही मिलता है, खिलाड़ी को नहीं मिलता, यह अगर आपको पता है तो इसमें से जो कभी कोच नहीं रहे हैं उनको ये आंसर नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर अभी तक कोच या अभिनव बिंद्रा कोच के रूप में ऐसी खास प्रसिद्धि नहीं हुई है तो उनको उसमें नहीं मिला होगा। पादुकोण और गोपीचंद पुराने जमाने के खिलाड़ी रहे हैं, संभावना है कि इन दोनों में से किसी को मिला होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि पुल्लेला गोपीचंद ये है। इस एक क्वेश्चन का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें स्पोर्ट्स के बहुत सारे एंगल टच हो गए, पुरस्कार के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में सवाल हर बार कोई ना कोई आता ही है। 2018 में ही मुझे व्यक्तित्व के बारे में एक से अधिक सवाल दिखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? ये सवाल अब नहीं आएगा क्योंकि उस समय ओलंपिक आसपास के समय में हुआ होगा, लेकिन अगर अभी इस साल कोई भी 2016 में हुआ था ओलंपिक, इसलिए ओलंपिक का सवाल आया। अभी ओलंपिक नहीं हुआ है तो ओलंपिक से सवाल नहीं आएगा, लेकिन कोई भी और बड़ी खेल प्रतियोगिता हुई हो, कोई इंडिया ने कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज किया हो, कोई बैडमिंटन का कप हुआ हो, कोई रेसलिंग में कुछ हुआ हो, या अभी अर्जुन अवार्ड दिए गए हों, खेल रत्न पुरस्कार दिए हों, या पद्मश्री पद्म विभूषण में किसी खिलाड़ी को पुरस्कार मिला हो, तो संभावना है कि उसके सवाल आ सकते हैं। कुछ स्पोर्ट्स में टेक्निकल सवाल भी आते हैं। 2018 में मुझे एक टेक्निकल सवाल स्पोर्ट्स का दिखा है कि एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? ये अगर ना पढ़ा हो तो इसको करने का कोई आसान तरीका नहीं। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है शतरंज, जैसा आप में से कुछ, और ऑप्शन बड़े आसपास के हैं, बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम और शतरंज। सभी बोर्ड गेम्स ही हैं, सभी इंडोर गेम्स हैं, कोई क्रिकेट फुटबॉल हॉकी जैसा ऑप्शन नहीं है। तो ये एक सवाल आया टेक्निकल पॉइंट्स पे, ये ऐसा सवाल भी यदा कदा आता ही रहता है। 2018 में ऐसे इनफैक्ट एक नहीं दो सवाल दिखे थे। एक और सवाल इससे ही जैसा आया था, वो था लिब्रो किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है वॉलीबॉल, और इसके जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस भी बड़े मिलते जुलते थे। सही जवाब वॉलीबॉल था, और ऑप्शंस थे बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी। यानी कि ऑप्शंस देखिए सभी वैसे ही स्मॉल ग्राउंड वाले आउटडोर गेम्स के हैं, तो अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो गेस मारने में गलती हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस खेल में पुरस्कारों के क्वेश्चंस, व्यक्तित्वों के क्वेश्चंस और खेल के टेक्निकल पॉइंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। 2017 में अगर मैं देखूं तो स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन आए हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? और ऑप्शंस दिए हैं, ऐसे सवाल बिना ऑप्शंस के नहीं किए जा सकते। ऑप्शंस दिए हैं समीर दाद, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ, अमित बैनर्जी। जिन लोगों ने उस साल की पीएससी दी है वो जल्दी बता पा रहे हैं। इसका आंसर है समीर दाद। ये ऐसी चीजें हैं जो न पढ़ी हो तो करना बहुत मुश्किल है। कम से कम भारत के प्रमुख खेलों की टीम के प्लेयर के नाम क्रिकेट के ना भी याद रहे, क्योंकि क्रिकेट में सवाल आने के समानों के में, लेकिन महिला क्रिकेट की टीम, वॉलीबॉल की टीम, हॉकी की टीम, फुटबॉल की अगर कोई टीम हो ऐसे कुछ एकाध, और बाकी जो सोलो गेम वाले हैं कुछ खिलाड़ियों के नाम, मध्य प्रदेश के कुछ टीम के खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसने ज़रूर उस साल कुछ ऐसा महत्वपूर्ण किया होगा जिस वजह से वो न्यूज़ में रहा होगा, या इसलिए इस पर सवाल आया होगा। और किस तरह के सवाल आए हैं व्यक्तित्व के सवाल, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? और ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, या इनमें से कोई नहीं, क्रिकेट। तो ऐसे व्यक्तित्व के सवाल भी आएंगे जो आपने देखा 2017 के सवाल आपको थोड़े ज़्यादा कठिन लग रहे हैं, क्योंकि आप ये तब समसामयिक करंट अफेयर्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक ऐसे भी सवाल है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है?
तो ये भी, ये एमपी जीके भी समझ सकते हैं, ये स्पोर्ट भी समझ सकते हैं। तो प्रमुख स्टेडियम, प्रमुख स्थान पे सवाल आ सकते हैं, ये स्पोर्ट्स के कुछ सवालों के सैंपल हैं। अब आईटी का उदाहरण लेते हैं, जो मुझे लगता है कि आईटी के सवाल बड़े सरल होते हैं। 2018 में आईटी के बहुत आसान आसान क्वेश्चंस देखने को मिले। निम्नलिखित में से संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? अवांछित, अनवांटेड। मेरी सलाह रहेगी कि आईटी के प्रश्न को एक बार अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हिंदी के शब्द ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब अनसॉलिसिटेड जंक ईमेल्स? ऑप्शन है क्रैम, ड्रैम, जैम या स्पैम। आंसर है स्पैम। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये इसके लिए कोई आईटी पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, हम सबको पता है कि स्पैम ईमेल्स किसे कहते हैं। ऐसे ही एक सवाल है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पेज को, पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। तो ये भी आईटी में आप देखेंगे, ये बड़े आसान से सवाल हैं जो जिसके लिए हमको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और एक और सवाल है जो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, आपने, आपको मैंने बताया कि आप ट्रेंड देखेंगे तो एक विषय के सारे सवाल एक साथ आने लगते हैं। जैसे आपने देखा कि एक सवाल होम पेज का है, एक सवाल स्पैम का है, उसी के बाद एक सवाल आ रहा है जो मैं सवाल भी नहीं पूछता हूं आपसे, केवल सवाल के चार ऑप्शन आपको देता हूं। ऑप्शन है ए हॉस्टल, बी पोर्टल, सी आर्टिकल और डी न्यूज़पेपर। बिना सवाल पढ़े, बिना सवाल पढ़े आप समझ सकते हैं कि आईटी के बीच में एक सवाल आया, इसमें से एक ही चीज़ आईटी का है, वह है पोर्टल। कुछ भी सवाल हो इसका आंसर पोर्टल ही होगा। सवाल भी है कि डैश खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो ऑब्वियसली आईटी के बारे में है, तो आईटी में केवल पोर्टल, अगर पोर्टल भी होता, वेबसाइट भी होता, होम पेज भी होता तो शायद आप कन्फ्यूज होते, लेकिन ऐसा नहीं है। 17 में देखें तो आईटी के कुछ सवाल हैं जो थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल हैं, जैसे ईथरनेट किसका उदाहरण है? मैन का, लैन का, वैन का या वाईफाई का? ईथरनेट किसका उदाहरण है? ये तो थोड़ा बहुत पढ़ा होना ज़रूरी है, पूरी तरह से गेस नहीं किया सकता। सही आंसर लैन का है, लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। इसी तरह से एक और सवाल है कि डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? ए सर्च इंजन है, बी वेब ब्राउजर है, सी वायरस है या डी न्यूज़ की वेबसाइट है? यह उस साल न्यूज़ में रही होगी इसलिए शायद ये सवाल आया हो। इसका सही जवाब है कि ये सर्च इंजन है। आईटी के सवाल, मेरा ये मानना है कि अगर एक बार पढ़ लिए जाएं तो अमूमन आसानी से हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हमको रोज़मर्रा के नॉलेज में मालूम होते हैं और इससे सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि आईटी अलग से एक टॉपिक है, उन 10 से 11 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी, तो आईटी से सवाल तो आएंगे ही। 10 सवाल अमूमन एवरेज है, 10 से कम भी आए तो 7 या 8 या 9 सवाल आएंगे, किस्मत अच्छी रही तो 12-15 भी आ जाएंगे, सवाल जनरली इसके सरल रहते हैं। अब लास्ट में दो टॉपिक्स उठाते हैं, एक जिससे बड़ा ज़्यादा संख्या में सवाल आते हैं, हर बार आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री, एमपी ज्योग्राफी, एमपी पॉलिटी। 2017 के कुछ सवाल एमपी के देखें।
एमपी हिस्ट्री या एमपी कल्चर से लाइन से दो सवाल दिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? इस सवाल पे मैं इम्फेसिस देना चाहूँगा इस एक शब्द का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सबसे बड़ा माया जाल है कि नहीं। अमूमन जब ये नहीं लिखा होता है तो वो बच्चों के ऊपर दया करते हुए इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इस पे अंडरलाइन कर देते हैं कि अंधे लोगों को भी नज़र आ जाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बार ये नहीं नज़र नहीं आता है। और होता क्या है, जैसे सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, हमको केवल लिखा कालिदास पुस्तक और पहला ऑप्शन लिखा मेघदूतम, हमने कहा ये सही है। आगे सर ने कहा था कि सभी विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं, अगर विकल्प बिना देखे आंसर याद आ रहा उस समय बड़ी भारी भूल हो जाएगी। दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे दूसरा ऑप्शन है कुमार संभवम, तब गोला लगाने के बाद है कि यार कुमार संभवम भी तो कालिदास का ही था शायद। तीसरा उत्तर रामचरितम, चौथा ऋतु संहारम। तो मैंने बता दिया कि ए और बी तो नहीं है, मेघदूतम और कुमार संभवम, तीसरा उत्तर रामचरितम, चौथा ऋतु संहारम। सही आंसर सी उत्तर रामचरितम है, जो हिस्ट्री वालों को पता होगा कि भवभूति ने लिखी थी। तो ऐसे सवाल एमपी हिस्ट्री कल्चर से आते हैं। एक और सवाल एमपी कल्चर का है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बिना ऑप्शन सुने सबने बता दिया, ग्वालियर, बड़ी खुशी की बात है। मैंने भी बिना ऑप्शन देखे सोच लिया था कि ग्वालियर होगा, जबकि मुझे नहीं पता माधव संगीत विद्यालय नाम का कोई संगीत विद्यालय है भी या नहीं। क्यों, कैसे गेस किया मैंने? क्योंकि इसमें माधव है तो मध्य प्रदेश में माधव राज सिंधिया के नाम पे कुछ बना होगा, तो वो ग्वालियर में ही बना होगा क्योंकि माधव राज सिंधिया वहीं के हैं। हो सकता है ये माधव राज सिंधिया के नाम पे ना बना हो, कृष्ण जी के नाम पे बना हो, लेकिन मैंने गेस किया कि माधव जी ग्वालियर के रहे हैं, तो हो सकता है। ऑप्शन देखा रायपुर इंदौर भोपाल ग्वालियर, तो कन्फर्म हो जाता है कि ग्वालियर ही होगा, तो गेस मार के भी ग्वालियर कर सकते हैं। 2018 में कुछ एमपी के सवाल देखें तो इसमें ये कुछ एमपी के हिस्ट्री के दो सवाल देखे, एमपी इकोनॉमिक्स के सवाल किस तरीके के आते हैं और जो थोड़े कठिन सवाल लगे मुझे, एक तो ऐसा सवाल आया कि अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? 10 घंटे इसका सही जवाब है। ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। ना पढ़ा हुआ हो तो इसमें गेस मारना थोड़ा मुश्किल है। एक और सवाल एमपी का 2018 का देखें, इकोनॉमिक्स का। इससे समझ में आता है कि हमको क्या एमपी इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए। सवाल है मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? अब ये सवाल देखते ही मुझे लगता है ये कौन सी योजना है। इस सवाल को जब अंग्रेजी में पढ़ता हूँ तब देखता हूँ कि इन मध्य प्रदेश बजट 2017-18 द प्रोविजन फॉर AMRUT स्कीम इज, तब जाके समझ में आता है कि अच्छा इसको हम पढ़ते हैं, इसमें अमृत स्कीम के नाम से पढ़ते हैं, AMRUT के नाम से तो पढ़ते ही नहीं है। तो इसीलिए अंग्रेजी का पेपर बार बार बीच में देखते रहना चाहिए। कितना प्रावधान किया गया, ये भी ऐसा सवाल है जो अगर नहीं पढ़ाओ तो नहीं कह सकते। ऑप्शंस बहुत मज़ेदार हैं, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। 700 करोड़ किसी ने बताया, आपको मेरा शत शत नमन है कि आप ऐसे सवालों के भी जवाब दे सकते हैं। मैं खुद सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूं तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का बजट करीब 6000 करोड़ का होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना होता है, कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जिस साल आप दे रहे हैं अगर तुरंत बजट तो क्योंकि हर साल प्रस्तुत होता है, बजट अगर बहुत पुराना नहीं हो गया होगा तो बजट से कुछ ऐसा सवाल आ सकता है। तो प्रमुख योजनाओं के लिए क्या ऐसा प्रावधान दिया गया, खासकर जो नई योजना अगर कोई लॉन्च हुई हो, जैसे इस साल बहुत सारी नई योजना लॉन्च हुई, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने आदिवासी लोगों के लिए अलग अलग नई योजनाएँ शुरू की हैं, तो वो नई योजनाओं के बारे में कुछ सवाल आ सकते हैं। उस योजना का नाम, उस योजना को कब उद्घाटन किया गया या योजना के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं। 2018 में और भी ऐसे सवाल हैं,
एमपी के सिंपल जनसांख्यिकी जनगणांकी की सवाल, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, 6:1000 किस जिले का है? आपने कहा बालाघाट, बहुत अच्छी बात है, बालाघाट चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, चार ऑप्शन है, अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर और डिंडोरी। तो आपने पढ़ा होगा कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले 2-3 जिले हैं, जिसमें से बालाघाट भी एक है और डिंडोरी भी एक है। तो इसका सही जवाब है डिंडोरी। अगर आपने ये सवाल लिंगानुपात पे आया, ऐसे ही सवाल वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर के ऊपर, मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर, इन्फेंट मोर्टेलिटी के ऊपर, ये सारे मेन जो स्टैटिस्टिक्स है, स्पष्ट है किस जिले का सबसे ज़्यादा है, किस जिले का सबसे कम है, वगैरह वगैरह, ऐसे फैक्ट्स याद करते समय बेहतर है कि अगर आपने उसको मध्य प्रदेश के नक्शे पे याद किया है तो आप देखें कि उसका एक ट्रेंड सा चलता है। जैसे लिंगानुपात का देखें तो लिंगानुपात जो है, जैसे एमपी का नक्शा है, ऐसे अगर मान लें एमपी का नक्शा है तो ऐसे ढलान, एक ढलान सी है, ऐसे बड़ा ख़राब सा नक्शा बनाया मैंने, ये शायद वो झांसी के पास वाला इलाका निकल आया, ये यहाँ कहीं बालाघाट है, यहाँ कहीं इंदौर है। तो आप देखेंगे कि सेक्स रेशियो जो है एक ढलान सी है कि यहाँ से बहती है, यहाँ बड़ी कम रहती है, 750-800 के आसपास, यहाँ आते आते 1000 हो जाती है। ऐसे ही आप जंगलों में देखेंगे और या भूमि के प्रकार में देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से भूरा भूरा है, धीरे धीरे पीला पीला, फिर धीरे धीरे हरा हरा और बड़ा गाढ़ा हरा होता जाता है। ऐसे ही रिवर बेसिस को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ट्रेंड सा, अगर आपको 52 जिले मध्य प्रदेश के नक्शे पर याद है तो बहुत सारे ऐसे एमपी जीके के पॉइंट्स आपको याद रखने में आसानी होगी, आप एक ट्रेंड बना पाएंगे, आपको ऐसे फैक्ट्स याद रहेंगे एमपी जीके के। एमपी एक ऐसा टॉपिक है जिससे पिछले 3 सालों में हर साल 20-25-27-30 सवाल आए हैं, किसी साल कम भी आए तो 10-12 सवाल तो आते ही आते हैं, और वो ऐसी चीज़ है बिना पढ़े करना असंभव है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये सवाल आते हैं, ये पिछले 2 सालों के सभी 200 सवाल करने ज़रूरी हैं। ज्योग्राफी का मैंने कोई सवाल डिस्कस नहीं किया, लेक्चर ख़त्म करने से पहले 1-2 सवाल ज्योग्राफी के डिस्कस कर लूँ। ज्योग्राफी में गेस वर्क चलाना थोड़ा सा कठिन काम है। एक सवाल है 2017 के ज्योग्राफी का, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, 4 पहाड़ियों के नाम हैं, ए जौनसार, बी गारो, सी नीलगिरी, डी जयंतिया। टोडा जनजाति इनमें से किन पहाड़ियों में रहती है? केवल नीलगिरी और किसी जवाब लॉक किया जाए? सही जवाब है नीलगिरी। अगर जनजाति पढ़ा हो तो पता होगा कि ये दक्षिण भारत की एक जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। गारो जो है वो पूर्वोत्तर की एक पहाड़ी है, उसमें अलग तरह की जनजातियाँ रहती हैं, उनका जनजातियों का नाम भी गारो ही होता है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वोत्तर में हैं, यही पहाड़ियों के नाम भी, यही उन जनजातियों के नाम भी हैं। ये तो भारत से संबंधित भूगोल आया, जैसा मैं सिलेबस के लेक्चर में कह रहा था कि भूगोल भारत का, विश्व का, मध्य प्रदेश का, तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों पे सवाल आते हैं। और अगर कोई सवाल देखें, सिंपल फिजिकल ज्योग्राफी से एक सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब ये सवाल दरअसल इस तरह से सही सुमेलित नहीं है, जैसे सवाल मुझे हर साल 1-2 देखने को मिलते हैं, मैच द फॉलोइंग होता है, अगेन उसमें मैं कहूँगा कि एक बार नहीं शब्द पर ध्यान दे दें। संभावना सही, केवल सही लिखे होने की संभावना कम है,
सही नहीं वाले सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन एक बार देख लें कि सही नहीं देखने में एक जैसा लगता है कौन सा लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं चार, लिपुलेख और उत्तराखंड, नाथुला और अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग और हिमाचल प्रदेश, पालघाट और केरल। कौन सा सही नहीं है? बीफ और बफेलो वाला। नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम में है। अब ये सवाल क्योंकि इस साल नहीं आएगा, जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो ये फैक्ट भी एक साथ में याद करते जाएं। और अगर ये सवाल आपसे गलत हो जाता है तो आपको भले ना पता हो कि नाथुला कहाँ है, सही जवाब पता चल जाए कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत जवाब था, कम से कम इतना जरूर याद करते हैं उत्तराखंड में लिपुलेख है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, केरला में पालघाट है, क्योंकि ताकि ये एक फैक्ट तो कम से कम आपको याद होता रहे। ऐसे ही 2018 में कुछ ज्योग्राफी के सवाल दिखते हैं। 2018 में ज्योग्राफी का, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का एक सवाल, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80% पूर्वोत्तर, पूर्वी देशांतर 80 डिग्री ईस्ट के सबसे निकटतम है? किसी ने बिना ऑप्शन देखे कह दिया जबलपुर, बधाई हो उसको, आपको पूरा नक्शा याद है। जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। जबलपुर, नक्शा देखने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है जबलपुर। ये सवाल अब फिर तो आएगा नहीं, लेकिन कैसा सवाल आ सकता है? मध्य प्रदेश के, जैसा मैंने बहुत सुंदर सा नक्शा बनाया था मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की यहाँ से यहाँ तक सीमाएं और यहाँ से यहाँ तक लैटिट्यूड्स कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूड्स कौन सी हैं, पता होनी चाहिए कि कौन सी हैं। और जो प्रमुख पाँच शहर हैं, मैंने अंदाजे से बनाया, ये पांच शहर बिल्कुल सही बनाया, ये भोपाल है, ये ग्वालियर है, ये जबलपुर है, ये इंदौर है, ये थोड़ा ऊपर बन गया, यहाँ पे उज्जैन है, ये मान लीजिए रीवा है। तो ऐसे कुछ प्रमुख शहरों के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि बड़ा प्रदेश है इसलिए चेंज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज में चेंज होते हैं, याद रखना मुश्किल नहीं है। तो आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अमूमन पता होना चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये भी याद है कि ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी सीमा है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ से कहाँ डिग्री तक है, तो मैप थोड़ा बहुत याद है तो गेस वर्क किया सकता है कि जबलपुर नीचे की साइड है तो 80 डिग्री के पास कौन सा होगा। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि एमपी ज्योग्राफी का सवाल है, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का भी सवाल है एक तरह से। कुछ सवाल एमपी ज्योग्राफी या एमपी इकोनॉमिक्स के बड़े कठिन से मुझे दिखे, जैसे एक सवाल एमपी ज्योग्राफी का कह लीजिए, ज्योग्राफी के अंदर ही कृषि से है, कि मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आसान सवाल है, कृषि से। और एक और सवाल है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? आप लोग ने मस्त रट्टा लगाया है। आप लोग, किसी ने कागज भी नहीं कहा, सीधे अखबारी कागज कहा, इसका मतलब अच्छा रटा है, वेरी गुड। तो इस तरह के कुछ सवाल एमपी से आते हैं। ये मैंने कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बिना पढ़े करना असंभव है। वर्ष 2011-12 से 15-16 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शंस ऐसे हैं कि ना पढ़ा हो तो नहीं हो सकता, 11.09%, 15.09%, 16.09%, 17.09%। आपको ये जानना अभी ज़रूरी नहीं है, इस साल ऐसा वृद्धि दर वगैरह का डेटा आपको एमपी इकोनॉमिक्स का पढ़ लेना चाहिए। इसका सही जवाब 17 है। आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, ऐसे फैक्ट्स वाले जो सवाल हैं उसमें एक डिजिट बदल के ऑप्शंस बना देते हैं। बहुत बार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है ये आता है तो आखिरी के 3 डिजिट बदल दिए जाते हैं।
मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो उसका एक एक डिजिट सारे ऑप्शंस में बदल जाता है, या खासकर सबसे आखिरी डिजिट बदल देते हैं, 975, 976, 977, 978 टाइप का ऑप्शन देते हैं जो कंफ्यूज करता है। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी लंबा लेक्चर, 2 साल का पेपर एनालिसिस किया। एमपी जी के दरअसल 2 टॉपिक है, एक एमपी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, एक एमपी पॉलिटी इकोनॉमिक्स है। ये 2 टॉपिक एमपी के हैं, तो एमपी का वेटेज 20% हो जाता है अपने आप। पिछले साल ये 20 से 27 हो गया था, किसी साल ये घट के 10 भी हो गया था। बाकी हर टॉपिक 10 से प्लस माइनस 5% तो चलता है, कभी 5 कभी 15, इतना वेरी करता है। और कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिससे सवालों की संख्या 0 आती हो, या जिससे 30-40 सवाल केवल उसी से आ जाते हो। वेटेज सबका बराबर है, यानी कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक पढ़ना है। अच्छी चीज़ है कि कुछ टॉपिक बड़े ही छोटे सिलेबस के हैं, जैसे आईटी है, स्पोर्ट्स है, इनमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है। कुछ ही चीज़ें हैं आईटी में पढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स में पिछले 1-2 साल की कुछ, 1 साल का करंट अफेयर्स है, और कुछ खेलों के बारे में मूल जानकारी है। ये जल्दी किए जा सकते हैं। और कुछ टॉपिक हैं जो बहुत गहरे हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जिसमें थोड़ा सा ये अगर मेंस के लिए पढ़ा हुआ होगा जिन बच्चों का, उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जैसे हमने 2018-17 के कुछ सवाल किए, आप लोग अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में आवश्यक रूप से 2018, 2017, 2016, 2015 और अगर याद नहीं 2014 का पेपर ऑनलाइन है या नहीं, 13 तक भी है तो 2013, ये 6 टेस्ट आप फुल टेस्ट के रूप में दीजिए। इसके अलावा जैसे मैंने अलग लेक्चर में कहा कि 5 से 7 फुल मॉक टेस्ट तो हर संडे को दीजिए। बाकी टारगेट होना चाहिए कि अगले 50 दिनों में 5000 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन पर डे के रेट से हम ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर हम इतना करते हैं तो हमारा चांस होने का बहुत अच्छा है। जैसा कुछ लोग मुझे बता रहे थे, कट ऑफ बहुत बार 75% से भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, इससे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बनते हैं। क्वेश्चंस कभी 2-3 लेवल गहराई के नहीं होते, बिल्कुल फर्स्ट लेवल गहराई के होते हैं। जो फैक्ट्स किताब में पढ़ा है वो फैक्ट वैसा का वैसा पूछा जाता है। केवल करंट अफेयर्स थोड़ा सा कठिन हो सकता है कि क्या पूछा जाएगा गेस करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है ईजे जब करें तो इसके करंट अफेयर्स के सवाल आपसे ना हो पाए क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह का करंट अफेयर्स अभी मुझे पढ़ लेना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति जी का दौरा, मतलब इस साल के सारे दौरे पढ़ लें, कोई महत्वपूर्ण संधि तो इस साल की सारी संधियां पढ़ लें, ऐसे करके आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर लेंगे। तो ये हमने पेपर की एनालिसिस करी, मुझे उम्मीद है कि बाकी वर्षों के पेपर आप फुल टेस्ट मोड में ज़रूर करेंगे। और इस डिस्कशन से आपको अंदाज़ा लगा होगा, रिपीट कर दूँ, 4 तरीके हैं। बेस्ट तरीका है बिना विकल्प देखे सही उत्तर बताना। अगर बिना विकल्प देखे सही उत्तर बताया है तो टिक लगाइए, आगे बढ़िए। बिना विकल्प देखे उत्तर नहीं याद आता तो विकल्प देखिए, विकल्प देख के अगर सही उत्तर याद आ रहा है, मिल गया, तो बाकी 3 गलत जवाब पे दिमाग मत लगाइए, उस पर भी बात नहीं बनती हो तो तीसरा है कि फिर कोशिश करें कम से कम 2 गलत विकल्प कौन से हैं पकड़ सकें। तीसरा भी गलत विकल्प अगर पकड़ में आ गया तो किस्मत अच्छी है, नहीं तो आखिरी के 2 में से 1 टिक मारें, इंटेलिजेंट गेस करें। और इस सब नहीं चलता है तो इंटेलिजेंट गेस में से इंटेलिजेंट को हटा दें और एक बेवकूफों के जैसा एक गेस मारें और आगे बढ़ें। किसी भी सूरत में किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस सवाल में, इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो गलत सवाल, गलत जवाब का भी 0 नंबर है, छोड़ने का भी 0 नंबर है, लेकिन अगर अटेम्प्ट किया है तो 25% प्रोबेबिलिटी तो है ही कि वो सही हो सकता है, 4 में से 1 ही जवाब सही है, तो कुछ ना कुछ तो चांस है। तो सभी सवाल करके आइए, 2 घंटे के अंदर सभी 100 सवाल करके आइए। टेस्ट के दौरान कोशिश कीजिए कि 2 घंटे के अंदर आप 100 सवाल कर पाते हैं। अपनी स्पीड भी चेक कीजिए, एक्यूरेसी भी चेक कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि 50 दिन बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू।